सिर्फ दो चीजों से बनाया गया है ये शाम के लिए चटपटा नाश्ता। इसके लिए पूरा लाइव वीडियो देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रेसिपी इस शानदार नाश्ते की। हमने यहाँ पे एक बॉइल्ड आलू लिया है, उबला हुआ आलू। इसको मैश कर लिया है हाथ से अच्छे से। आलू इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे हमने बारीक कटी हुई प्याज है, ये ऑप्शनल है। अगर आप खाते हैं तो आप डालिए, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं प्याज को। तो देखिए यहाँ पे अब हमने हल्दी डाली है, पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक, यहाँ पे पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स, जीरा। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी मसाले आप खाते हैं। गरम मसाला ये आपकी चॉइस के ऊपर है, और यहाँ पर चाट मसाला, मिक्स हर्ब्स डाल रहे हैं हम, पर ये ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पे हरा धनिया काट रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसमें आलू और सूजी से हम ये चटपटा नाश्ता बना रहे हैं। आलू, उबला हुआ आलू, और जो सूजी, नॉर्मल सूजी, बिना सिकी हुई सूजी हम वहाँ पे अभी डालेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। तो देखिए सिर्फ ये दो दो ऑप्शन, और आपके मसाले, नमक, मिर्ची, और जो एक्स्ट्रा आपको डालना है आप डाल सकते हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में, चटपटी भूख के लिए झटपट नाश्ता अब हम डालेंगे, बना रहे हैं आपके लिए। अब ये कच्ची सूजी है, अब हम इसमें डाल रहे हैं करीब 2 से 3 चम्मच। कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सूजी हम इसमें डाल रहे हैं, इससे कुरकुरापन आता है, और आलू का जो पानी होता है वो भी वो सोख कर लेती है। और बस इन्हीं दो चीजों से आप फटाफट बना सकते हैं शाम की चटपटी भूख के लिए वो शानदार नाश्ता। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार सॉल्ट। अब इसमें हाथ में हम तेल लगा लेंगे। से देखिए अब इसके हम गोल गोल यहां पे। अगर अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड लाइव वीडियोस लेके आते हैं। यहाँ पे हमने तेल भी गरम कर रहा है, हम यहाँ पे शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप अप्पे पैन में भी बना सकते हैं इसको बिना तेल के, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने मिडिल रास्ता यहाँ पे लिया है, जहाँ पे हम शैलो फ्राई करके आपको दिखा रहे हैं ये चटपटा नाश्ता शाम की छोटी छोटी भूख के लिए। अब देखिए इसमें शैलो फ्राई में डाल देंगे सिर्फ बॉयल्ड आलू और सूजी, मेन इंग्रेडिएंट है इसमें स्पाइसेस के साथ। अगर आपका भी मन कर रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। मीडियम फ्लेम पे अब हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे। इसको आप अदरक की चाय के संग खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको ऑयल नहीं खाना तो अप्पे पैन जो आता है आप उसमें इसको बना लीजिए। अप्पे पैन में लिटरली एक बूंद तेल डालना पड़ता है और आप बना के इसको खा सकते हैं। मन कर रहा है ना खाने का? अगर मन कर रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। 11 बस। अब देखिए कुरकुरापन आने लग गया है, आप देख सकते हैं ये टिक्की में, देखिए कितनी अच्छी शानदार सिक्के निकल रही है। अगर आपको हमारे ओल्ड वीडियो रेसिपीज देखने हैं तो हमने यूट्यूब पे आपसे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे जाके आप जायका का तड़का चैनल से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पुराने वीडियोस देख सकते हैं। हमने लिंक भी यहाँ पे दे दिया है, तो इस वीडियो के बाद आप जाके क्लिक कर लीजिएगा। देखिए बन गया है आपका चटपटा नाश्ता। इसको जितना कुरकुरा करना है इसको स्लो फ्लेम पे और सेक लीजिए, अगर आपको कुरकुरा करने खाना पसंद है। कुरकुरा एकदम बनेगा। बन गया है शानदार चटपटा, सिर्फ बॉयल्ड आलू और सूजी के संग। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे दोबारा। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।